जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू के ऊपर एक ही साथ वन शॉट में हंड्रेड एम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हम कवर करने वाले हैं और इस हंड्रेड एम के अलावा अभी तक 2019 के बाद जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इसके अलावा कहीं से जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया और फर्स्ट ये इंस्टीट्यूट है न्यूक्लियस ऑफ नॉलेज अकेडमी जिसने खुद ये हंड्रेड एम सी क्यूज जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर बनाए थे तो आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ इसके हंड्रेड एम और पी के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन के ऊपर मोबाइल के ऊपर फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर ठीक है तो वहाँ पे आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा हमने ऑलरेडी ये शेयर किया तो जल्दी से शुरू करते हैं वन शॉट में हंड्रेड एमसीक्यूज ऑन जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर ठीक है और अगर आपको आ, वीडियो स्लो लग रहा है तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो इसकी स्पीड ठीक है तो वहाँ से आप वन पॉइंट टू फाइव के ऊपर आप इसको स्पीड इंक्रीज़ करके आप सुन सकते हो ओके तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है अभी का जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन दो हमारा जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट था वो सबसे पहले किस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ था तो ए ऑप्शन है आन आपको दिख रहे हैं लोकसभा बी ऑप्शन आपका है राज्यसभा सी ऑप्शन है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ़ जे एंड के और डी ऑप्शन जो है वो आपका बोथ ऑफ द अबव है ठीक है और जिसको आंसर सही होगा पता होगा ना तो वो बच्चा जरूर अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखे ठीक है और अगर कोई डाउट आता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्यसभा तो सबसे पहले जो आपका बिल इंट्रोड्यूस हुआ था जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो आपका जो अपर हाउस होता है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का तो उसको राज्यसभा बोला जाता है तो राज्यसभा में ये सबसे पहले आपका बिल जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद लोकसभा में हुआ था ठीक है सेकेंड क्वेश्चन है आपका जे एंड के रिओर्गनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन डैश ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया तो कौन से रिपब्लिक ऑफ इंडिया का उस टाइम पे चल रहा था ईयर चल रहा था जिसमें ये जे एंड के रिओर्गनाइजेशन एक्ट जो था ये पास हुआ था ऑप्शन है सिक्सटी नाइन बी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सेवेंटी वन है सी ऑप्शन जो है आपका सेवेंटी और डी ऑप्शन आपका सिक्सटी नाइन्थ है जल्दी से बच्चे इसका आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी है सेवनटीन्थ ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो चल रहा था उस टाइम पे ये जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट जो था ये हमारा पार्लियामेंट में इनैक्ट किया गया है अगला क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट कंटेन्स हाउ मैनी पार्ट्स तो हमारा जो जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसका आंसर सब बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार जी के में आ चुका है तो कुछ आंसर्स आप भी दोगे और कुछ मैं आपके साथ आपको आंसर्स बताता जाऊंगा ठीक है क्योंकि हमने हार्डवर्क जो है वो साथ में करना है आप भी हार्डवर्क करो मैं भी हार्डवर्क करूँगा आपकी प्रपेशन को अच्छा करने के लिए फोर्थ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर विच पार्ट ऑफ जे एंड के रियॉर्गनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन हैज़ द प्रोविजन ऑफ प्रोविजन ऑफ एडवोकेट जर्नल ऑफ यू टी एंड ऑफ जे एंड के ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आ गया है एक बार तो कौन से पार्ट में एडवोकेट जर्नल ऑफ यू टी ऑफ जे एंड के की बात करें तो वो कौन से पार्ट में है ए ऑप्शन आपके पास है नाइन्थ पार्ट बी ऑप्शन है आपके पास ट्वेल्थ पार्ट सी ऑप्शन है एर्थ पार्ट और डी ऑप्शन आपका है फिफ्थ पार्ट में तो आपका एडवोकेट जनरल ऑफ़ यूटी ऑफ जे एंड के जो है वो आपका कहाँ पे देखने को मिलता है किस पार्ट में देखने को मिलता है वो आपका नाइन्थ पार्ट है तो उसमें आपको हमारे जो एडवोकेट जनरल जी हैं तो वो आपको मिल जाएंगे और मुझे ज़रा ये बताइए इस टाइम पे हमारा यू टी ऑफ जे एंड के जो एडवोकेट जनरल है वो बताएं जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें आंसर कौन है फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर विच पार्ट ऑफ जे एंड के रिओर्गनाजेशन एक्ट डील्स विद द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कौन सा पार्ट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स से डील करता है ए ऑप्शन आपका नाइन बी ऑप्शन आपका ट्वेल्थ है सी ऑप्शन आपका एट्थ है और डी ऑप्शन आपका सिक्स है एंड द राइट आंसर इज डी ठीक है सिक्स पार्ट में आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन दैट इज हाई कोर्ट मैंशन ऑन विच पार्ट ऑफ जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट अब हाई कोर्ट पूछा गया कि कौन से पार्ट में है नाइन उसके बाद आपका ट्वेल्व उसके बाद एट उसके बाद सिक्स तो अब हाई कोर्ट जो आपका है तो वो आपको कहां पे देखने को मिलेगा पार्ट एट में आपको हाई कोर्ट ऑफ जे एंड के देखने को मिलेगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट थर्टीन जो है कौन सा पार्ट पार्ट थर्टीन ऑफ जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ठीक है तो ये इसमें क्या है हाई कोर्ट है एडवोकेट जनरल ऑफ़ यूटी ऑफ जे एंड के है रिओर्गेनाइजेशन ऑफ़ स्टेट जे एंड के उसके बाद प्रोविजन्स ऑफ सर्विसेज तो जल्दी से बताएं ये हमने कर लिया है ये भी हो गया है पीछे अब इन दोनों में से जो है जो आपका पार्ट थर्टीन है वो इसके साथ डील करता है तो पार्ट थर्टीन में आपको प्रोविजन्स ऑफ द सर्विसेज जो है वो देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया है पार्ट फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है पार्ट फोर्थ ऑफ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन है कंटेन्स तो पार्ट फोर्थ में क्या है हाई कोर्ट है क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख है क्या सी ऑप्शन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जे एंड के है क्या उसके बाद डी ऑप्शन पोविजन एज टू द दर्विसेज है क्या तो इसका सही आंसर जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख के बारे में जो है वो पार्ट फोर्थ जो है वो डील करता है ये मैं इसलिए इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार जो है जेके के एग्जाम में अभी तक आ चुका है ये क्वेश्चन उसके बाद पार्ट टू की बात करें देखो पार्ट फर्स्ट टेन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब पार्ट टू जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो पार्ट टू जो है जे एंड के एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन में उसमें क्या है कोर्ट है प्रोविजन एज टू द सर्विसेज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जे एंड के या एस सी एंड एस टीज है इसका आंसर आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पार्ट सेकंड में क्या है ठीक है जो बच्चा अभी तक पीछे सारे एम सी क्यूज पढ़े होंगे वो इधर से ही बता देगा कि पार्ट सेकेंड में हमारा क्या है उसके बाद ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आ चुका है इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मेबर्स डीलिमिटेशन कमीशन वॉज फॉर्म चेयर बाय तो डीलिमिटेशन कमीशन जो बनी थी मार्च में ट्वेंटी ट्वेंटी में उसको किसने चेयर किया था हु वॉज द चेयरमैन तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको एग्जाम में आ चुका है तो ए ऑप्शन आपके पास है रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई बी ऑप्शन है जस्टिस महर्चंद महाजन सी ऑप्शन है गुलाम नबी आज़ाद उसके बाद डी ऑप्शन है जस्टिस राकेश मिश्रा तो इसका सही आंसर जो है वो है हाँ आपका ए ऑप्शन रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो थे उन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन को क्या किया था चेयर किया हेड किया था ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दस क्वेश्चन हो गए हैं विच शेड्यूल ऑफ जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड अ हैजोविजन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी तो कौन से शेड्यूल अब शेड्यूल की बात आ गई कौन से शेड्यूल है हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो डील करता है यूटी ऑफ़ जे एंड के में फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल देखो हमने हर एक के ऊपर जो है क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको कहीं और बाहर न जाना पड़े और जे एंड के ऑर्गेनाइजेशन जो आपका पूरा कवर हो जाए तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो आपका सेकेंड सक्यूल जो से शेड्यूल है वो डील करता है उसके बाद ये इसका आंसर आप बताओगे ठीक है एक क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे एक क्वेश्चन का मैं बताऊंगा इससे पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है शेड्यूल ऑफ जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन हैजविजन ऑफ फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफॉर्मेशन ठीक है फर्स्ट शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल तो किस शेड्यूल में है इसका आंसर आप बताओगे ठीक है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे और हमारी ऐप जो है न्यूक्लियस ऑफ नॉलेज एकेडमी तो वहां पे आपको मिल जाएगा तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें विध शेड्यूल ऑफ जे एंड के रिओजन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन है प्रोविजन ऑफ सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल एप्लीकेशन एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं टू द जी ऑफ जे एंड के एंड जी ऑफ लद्दाख कौन से शेड्यूल में बोला गया है कि हमारे जो सेंट्रल लॉज है वो अब हमारे यू टी ऑफ लद्दाख और यू टी ऑफ़ जे एंड के में एप्लीकेबल होंगे सेकेंड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल या फिफ्थ शेड्यूल तो फिफ्थ शेड्यूल में बात ये कही गई है इसका सही आंसर है फिफ्थ शेड्यूल ठीक है अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ आई होप सेशन बहुत ही अच्छा जा रहा है कमेंट सेक्शन में बताते जाएं और आप अपना बताते जाएं कि आप कहां कहां से ज्वाइन कर रहे हैं जे एंड के किस कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर बाहर से भी देख रहे हैं तो आप भी बताएं आप कहा से ये वीडियो देख रहे हैं ठीक है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ जे एंड के रिओर्गनाइजेशन से फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहला ए ऑप्शन मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट बी ऑप्शन है मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल सी ऑप्शन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑफ लेजिस डी जो है बोथ ए एंड बी तो बताएं जरा तो जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करता है मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ स्टेट की ये बात करता है ठीक है अब ज़रा मुझे बताया कितने अभी हमारे पास मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स हैं इस टाइम पे वेरी इंपॉर्टेंट विथ सेक्शन ऑफ जे एंड के जी ऑर्गनाइजेशन एक्ट कंटेन्स यू टी ऑफ लद्दाख बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये भी यू टी ऑफ लद्दाख किस सेक्शन के अंदर है पार्ट तो हमने पढ़ लिया था अब पूछा गया कि कौन सी सेक्शन में आता है सेक्शन वन में आता है क्या सेक्शन टू में है क्या या सेक्शन थ्री में या सेक्शन फोर में है वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसलिए स्ट्रेस डाल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में तो सेक्शन थ्री जो है वो डील करता है यूटी ऑफ लद्दाख से ठीक है अब देखो सेक्शन थ्री गया अब उसके पीछे पीछे कौन आ गया चल के सेक्शन फोर तो सेक्शन फोर ऑफ जे एंड के रिओर्गनाइजेशन एक्ट टू सेक्शन फोर में क्या है यू ऑफ़ लद्दाख यू ऑफ जे के बोथ नन अगर सेक्शन थ्री में यू ऑफ लद्दाख था तो सेक्शन फोर में क्यों होगा क्या होगा बताओ जल्दी से हाँ हाँ सही है यू टी ऑफ जे एंड होगा ठीक है थोड़ा लॉजिक भी लगाना होता है ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन है देखो ये अभी जितने भी क्वेश्चन आने सारे इंपॉर्टेंट है ठीक है गाई? तो विस सेक्शन ऑफ जे एंड के रिओर्गनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन हैज़ द प्रोविजन ऑफ कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर यू टी ऑफ जे एंड के एंड यू टी ऑफ लद्दाख कॉमन लेफ्टिनेट गवर्नर की बात करता है देखो सेक्शन थ्री सेक्शन फाइव सेक्शन फोर या सेक्शन वन किस में इसका सही आंसर है बताएं ज़रा देखो थ्री भी हमने पढ़ लिया फोर भी हमने पढ़ लिया तो सेक्शन कौन सी है सेक्शन फाइव तो सेक्शन फाइव में बोला जाता है कि हमारा कॉमन गवर्नर जो था या हमारे एक्ट में कहा गया अब ज़रा मुझे बताएं इस टाइम पे गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूटी ऑफ़ लद्दाख और यूटी ऑफ़ जे एंड के के कौन कौन है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं देखो यूटी ऑफ़ जे एंड के का तो सबको पता होगा तो यूटी ऑफ लद्दाख का जो गवर्नर है ना तो वो मुझे नहीं लगता सबको पता होगा आई नो सबको नहीं पता होगा कुछ लोगों को पता होगा बट सबको नहीं पता होगा जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और जिनको नहीं पता है तो वो भी बताएँ वी सेक्शन ऑफ़ जेके आर ए टू थाउजेंड नाइनटीन द वर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर वेरी इंपॉर्टेंट सबस्टिट्यूटेड विद द वर्ड्स यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखो एंड यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख देखो पहले हमारा क्या होता था जे एंड के स्टेट थी अब इस स्टेट को बाईफकेट कर दिया दो हिस्सों में बांट दिया गया, गया। तो रखा गया गया था यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख तो चेंज करना था ना तो उसको चेंज करने के लिए भी कोई सेक्शन डालनी पड़ेगी देखो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम क्या किसके बात करते हैं आर्टिकल्स क्या कहते हैं आर्टिकल्स तो याद रखना जो हमारे जे के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट में हमारे पास आर्टिकल्स नहीं है उसमें हमारे पास क्या है सेक्शंस तो ये सेम है क्या है ये सेम है वहाँ पे आर्टिकल्स हैं और हमारे इधर सेक्शन सैक्शनस हैं ठीक है सेक्शंस हैं तो बताओ जरा कौन सी सेक्शन में ये हमारा जो जे एंड के स्टेट था इसको रिप्लेस किया यू टी ऑफ लद्दाख एंड यू टी ऑफ जे एंड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी दैट इज सेक्शन नाइन्टी फोर ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत मजा आ रहा है आपको मुझे तो अच्छा लग रहा है इस टाइम पे विस सेक्शन ऑफ़ जे एंड के रीऑर्गनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन हैज़ अ प्रोविजन ऑफ पब्लिक कमीशन अब पब्लिक कमीशन की बात की गई है कौन सी सेक्शन में होगा नाइन्टीन नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव जल्दी से बताएं देखो सेक्शन नाइन्टी फोर तो हमने पढ़ लिया तो ये तो एलिमिनेट हो गया अब बाकी जो है नाइन्टीन नाइन्टी थ्री एंड नाइन्टी फाइव इन तीनों में से एक ही आंसर आंसर छुपा हुआ है तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपका नाइन्टी थ्री में बोला गया है एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हु अपॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ़ यू टी एंड जे एंड के इसमें बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है इसमें बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है तो हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ यू टी ऑफ जे एंड के ए जी को कौन अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर यू टी जे एंड के चीफ चीफ मिनिस्टर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ यू टी जे एंड के देखो मैंने बहुत ही कन्फ्यूजिंग ऑप्शन बनाया है यहाँ पर कन्फ्यूजिंग देखो आप बच्चा यहाँ पर फंस जाएगा एल गवर्नर और गवर्नर इन दोनों में फ़र्क दिख रहा है आपको ठीक है उसके बाद चलो चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर तो हो नहीं सकता उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बच्चा इधर भी फंस जाएगा कि क्या पता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है यूटी है ठीक है तो इसका सही आंसर जो है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यू ऑफ जे के जो है वो अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ़ यूटी जे के बीस क्वेश्चन हो गए हमारे बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन है ईजी है इंपॉर्टेंट भी है ये भी आ चुका है यू टी ऑफ़ जे एंड के हैज़ यूनिक कैमरलिज्म बाई कैमरलिज्मन ऑफ दिस एंड बोथ एंड बी देखो यूटी ऑफ जे एंड के जो है वो इस टाइम पे हमारा क्या है यूनिक देखो यूनिक कैमरलिज्म का मतलब यूनिक का मतलब क्या होता है यूनिक का मतलब होता है वन एक और कैमरलिज्म मतलब कि जो हमारे हाउसेज होते हैं तो इस टाइम पे यूनिक कैमटलिज्म मतलब कि अभी हमारा जे एंड के जो है उसमें सिर्फ सिंगल हाउस है डबल हाउस नहीं है बायो कैमरलिज्म का मतलब होता है टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड टू हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिलेचर्स ठीक है ये, ये भी क्वेश्चन भी आया था इंस्पेक्टर में ठीक है किन स्टेट्स में बाई कैमरलिजम है कुछ ऐसे करके आया था कोई क्वेश्चन इंस्पेक्टर में तो किस में नहीं था ठीक है तो इस टाइम पे हमारा यूटी ऑफ जे एंड के की अगर बात करें तो उसमें यूनी है अगर स्टेट ऑफ जे एंड के की बात करें तो पहले हमारे पास बाई कैमरलिजम होता था टू हाउसेस होते थे हमारे स्टेट लेजस्लेचर्स के ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेक्शन ऑफ जे एंड के रिओर्गनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन हैज़ अजेंस ऑफ किसकी बात हो रही है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जी आ गए हमारे ठीक है ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ यू टी जे एंड के तो किस सेक्शन में है मतलब कि जो हमारे इंडिया के ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वही हमारे यू टी ऑफ जे एंड के के अकाउंट्स देखते हैं और वो किस सेक्शन के किस सेक्शन के अंडर हैं वो पूछा गया है 72, टू एटी टू एटी नाइन या एटी के अंदर है तो इसका जो सही आंसर है वो आपका एटी टू सेक्शन जो है वो बात करती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हमारे जे एंड के जो अकाउंट है उसको ऑडिटिंग करेंगे उसके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 79 नाइन सेक्शन 79 नाइन के बारे में पूछा गया है इसमें क्या है चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ़ यूटी ऑफ़ जे एंड के है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ़ यूटी एंड जे एंड के है या एडवोकेट जनरल ऑफ़ यूटी एंड जे एंड के तो सेक्शन ट्वेंटी थ्री में हमारे रिओर्गेनाइजेशन uh, एक्ट में किसकी बात करता है तो ये बात करता है हमारी एडवोकेट जनरल ऑफ यू टी जे एंड के ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ईजी भी है जो एडवोकेट जनरल है हमारे यूटी ऑफ जे एंड के होल्ड्स द ऑफिस फॉर ऑफिस आ जाएगा यहाँ ठीक है तो वो क्या करते हैं उनका जो ऑफिस है उसका क्या टैनअर है फाइव इयर्स सिक्स ईयर्स फोर ईयर्स एंड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट तो एडवोकेट जनरल ऑफ यू टी ऑफ जे एंड के है वो होल्ड ऑफिस फॉर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजीडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सेक्शन सेवेंटी फाइव वन कौन सी सेक्शन सेवनटी फाइव वन जो है डील्स विद सेक्शन सेवेंटी फाइव वन में क्या बोला गया हाई कोर्ट ऑफ यूटी जे एंड के हाई कोर्ट ऑफ यूटी लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट फॉर यूटी ऑफ जे एंड के एंड लद्दाख नन ऑफ द दीज तो सेक्शन सेवनटी फाइव वन में कॉमन हाई कोर्ट फॉर यूटी ऑफ जे एंड के लद्दाख ये क्वेश्चन आई थिंक इंस्पेक्टर में भी आया था कुछ इसी तरह से कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था शायद लद्दाख के कोर्ट के बारे में कि लद्दाख का कोर्ट कहाँ पे है यहाँ लद्दाख का सेपरेट कोर्ट है अगर जिन बच्चों को पता याद होगा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या क्वेश्चन आया था ऑफ द विद सेक्शन ऑफ जे एंड के रिओर्गनाइजेशन एक्ट हैज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यू टी ऑफ जे एंड के कंसोलिडेटेड फंड किस सेक्शन के अंदर बात की गई है जल्दी से आंसर बताएं इसका ये इसका आंसर आप खुद बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अच्छा नेक्स्ट अब कंसोलिडेटेड फंड पड़ा तो उसके साथ कौन आएगा कंटीन्यूसी फंड भी तो आएगा तो अब कंटिन्जेंसी फंड जो है यू टी ऑफ जे एंड के वो किस सेक्शन के अंदर आता है तो इसका सही आंसर जो है वो सिक्सटी नाइन सेक्शन जो है उसके अंदर हमारा कंटीजेंसी फंड आता है अब कंटीजेंसी फंड गया उसके बाद हमारे पास तीसरा भी तो आएगा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ यू टी ऑफ जे एंड के ठीक है तीन होते हैं ना हमारे कंसोलिडेटेड फंड हो गया कंटीन्जेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट्स आते हैं तो पब्लिक अकाउंट्स कौन से सेक्शन में आएगा सिक्सटी में आएगा सिक्सटी में आएगा सिक्सटी में आएगा या सेवेंटी और सेवेंटी में आएगा तो पब्लिक अकाउंट्स जो है वो हमारे सिक्सटी एट सेक्शन में आता है ओके नेक्स्ट कंटिजेंसी फंड ऑफ यू टी ऑफ जे एंड के जो है हेल्ड बाय तो कंटिनजेंसी फंड जो होता है वो ये कौन सा फंड होता है कंटिजेंसी का मतलब होता है जब इन केस ऑफ एमरजेंसी तो हमें पैसों की जरूरत गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो वो गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से फंड निकालती है कंटिनसी बट कंटिनसी फंड से so, अगर पैसा निकालना है पहले तो गवर्नमेंट को परमिशन किस से लेनी पड़ेगी वही पूछा गया कि कंटिजसी फंड को कौन होल्ड करके रखता है कौन है रिस्पॉन्सिबल है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो गवर्नमेंट को जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ से फंड निकालने के लिए ठीक है उसके बाद थर्टी क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट टू यूटी ऑफ जे एंड के एंड लद्दाख तो किस सेक्शन के अंदर है तो इसका सही आंसर आपका है सिक्सटी फाइव सेक्शन में इसके बारे में बोला गया देखो तीस क्वेश्चन हो गया हमारे कवर ठीक है अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक ही शॉट में हम ये सारे क्वेश्चन कवर करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स टू द यू टी ऑफ जे एंड के अब पहले हमने पढ़ा था शेड्यूल कास्ट अब आ गया एस टीज तो एस टीज जो है वो किस सेक्शन के अंदर आती है तो एस टीज जो है वो आपकी सिक्सटी सिक्स सेक्शन में आती हैं पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या आंसर बताया अपलिकेट शेड्यूल कास्ट टू द यूटी ऑफ जे एंड के डी हाँ इसमें डी आंसर है क्या है डी आई होप आई मैंने डी आंसर ही बताया हो आपको ठीक है तो सेक्शन सिक्सटी फाइव में शेड्यूल कास्ट आती है और सेक्शन सिक्सटी सिक्स में हमारे पास क्या आती है एस आती हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन आ चुका है ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ़ लद्दाख है उनको कौन अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर तो या नन ऑफ द अब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जे लद्दाख जो है उनको प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं अगला क्वेश्चन है दे शैल बी ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के एंड लद्दाख अंडर विच आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि यूटी ऑफ़ लद्दाख और यूटी ऑफ़ जे के में जो गवर्नर हम अपॉइंट करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत ये बात की गई है आर्टिकल टू थर्टी नाइन आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए आर्टिकल टू फोटिया टू थर्टी नाइन बी ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में तो आर्टिकल टू थर्टी नाइन जो है ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है उसमें ये टू थर्टी नाइन आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है कि यूटी ऑफ़ जे के यूटी ऑफ लद्दाख में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमने अपॉइंट करना है उसमें इसका ये प्रोविजन है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ थर्टी फोर द प्रजिडेंट मे मेक रेगुलेशंस फॉर पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख अंडर विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देखो फिर से आ गया अब आ गया पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस भी आ सकता है यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा हुआ है ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसमें ये बात कही गई है तो इसका ऑप्शन है टू तो थर्टी नाइन टू फर्टी तो टू थर्टी नाइन बी तो टू थर्टी नाइन तो तो ए जल्दी से बच्चों इसका आंसर इसका आंसर आप बताओगे मुझे ठीक है इसका आंसर आप मुझे बताओगे अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अंडर डैश अंडर सेक्शन डैशन अबोलिशन ऑफ लेजिस काउंसिल ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जे एंड के जो अब मैंने आपको बताया यूनिंग कैमरलिज्म में तो पहले हमारे पास दो हाउसेज थे लेजिसलेटिव असेंबली थी और लेजिलेटिव काउंसिल थी तो अब हमने बोला यूनियन कैमलिजम मतलब दूसरे हाउस को हमने क्या किया ख़त्म कर दिया ना तो वही पूछा गया कि किस कि सेक्शन के अंदर जो जे एंड के की लेजिसलेटिड काउंसिल थी जिसको अपर हाउस बोला जाता था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है ख़त्म कर दिया गया है सेक्शन 57 में है सेक्शन 52 में है सेक्शन 59 में या सेक्शन 50 में है तो सेक्शन 57 जो है उसमें आ, ये प्रोविजन है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द सी एम ऑफ यू टी ऑफ जे एंड के उसको कौन अपॉइंट करेगा ईजी है इसका आंसर आप बताओगे मुझे बच्चों इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताओ और अभी इलेक्शन भी हमारे मे बी जो सेंटर के इलेक्शन है उसके बाद हो जाए तो फिर हमें पहला सी एम जो है वो देखने को मिल सकता है यू टी ऑफ जे एंड के अभी तक हमारा फर्स्ट सी एम ऑफ़ यू टी जे एंड के कोई नहीं है ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ डैश कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स, इज नॉट ए मेंबर ऑफ़ लेजिस्टिव असेंबली शेल बी एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड चीज़ टू बी मिनिस्टर मिले इसमें बात की गई है अगर हम किसी मिनिस्टर को कोई भी बंदा जो है वो लेजिस्टिव असेम्बली का मेंबर बन जाता है ठीक है बट कितने मंथ के लिए अगर वो मैंबर ऑफ नहीं बनता है तो उसकी जो वहाँ की सीट है वो क्या हो जाएगी कितने टाइम के बाद वो वहाँ से उससे वो सीट या मिनिस्टरशिप हम ले सकते हैं वापस तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है सिक्स मंथ्स तक उसके पास टाइम होता है ठीक है उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डैश हैज़ द प्रोविजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ़ यू टी एफ जे एंड के हेडेड बाई सी एम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स की बात की गई है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको सेक्शन फिफ्टी थ्री में देखने को मिलते हैं और जिन बच्चों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो वो ज़रा मुझे बताएं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमारे पास हैडेड बाय द हैडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो किस आर्टिकल के अंदर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन कौन सा थर्टी नाइन सेक्शन फिफ्टी टू ऑफ जे के आर ए टू थाउजेंड नाइनटीन सेज फिफ्टी टू किस बात करता है पावर ऑफ द गवर्नर टू प्रोमगुलेटी ऑर्डिनेंस उसके बाद असेंट टू दिल सम प्रोरोग्यू द हाउस डी ऑप्शन अपॉइंटमेंट ऑफ सी एम तो सेक्शन थर्टी नाइन और फिफ्टी टू जो है वो किसकी बात करता है तो सेक्शन फिफ्टी जो है वो ऑर्डिनेंस की बात करता है किसकी बात करता है ऑर्डिनेंस की बात करता है उसके बाद फोर्टी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं वेरी गुड तो कौन सी सेक्शन बताई गई है जिसमें लैंग्वेज जो है वो हम यूज़ करेंगे किसमें एक्ट्स जो बिल्स होंगे हमारे यूटी लेजिलेटिव असम्बली में तो किस सेक्शन के तहत लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है फोर्टी सेवन फोर्टी फाइव फोर्टी नाइन फोर्टी एट जल्दी से आंसर बताएं इसका तो इसका सही आंसर जो है डी अब बच्चों मुझे ज़रा ये बताओ ये बताओ मुझे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी जे एंड के क्या है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा मैं देखता हूँ ज़रा किस बच्चे को इसका आंसर पता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यू टी जे एंड के ये मुझे आपके जवाब चाहिए कहाँ पे कमेंट सेक्शन एरिया में शुरू हो जाओ देखो सेक्शन भी आ गई उसके ऊपर क्या आ गई ये मैं बता देता हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यू टी जे एंड के अंडर सेक्शन किस सेक्शन के अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है तो सेक्शन 47 के अंदर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यू टी जी एंड के है तो ये मुझे आपने आंसर बताना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कौन सी है जल्दी से गाए जल्दी से जल्दी से अगला क्वेश्चन है सेक्शन दैट्स एज द पोविजन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट ऑफ यू टी एंड जिनके जैसे हमारी सेंटर में होती है वैसे ही स्टेट में भी होगा एनुअल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो किस सेक्शन के अंदर है फोर्टी वन है फोटी फाइव है फोर्टी नाइन है या फोर्टी एट है जल्दी से बताओ ज़रा किस सेक्शन के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है चलो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन फोर्टी वन के अंदर जो हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिलती है अब ज़रा मुझे बताओ सेंटर में जो बजट हमारा पेश होता है पार्लियामेंट में वो किस आर्टिकल के अंदर है कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझे ज़रा ये बताए जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको कौन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करता है ठीक है ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना कभी कभार आपको एग्जाम में आ जाती है तो अगर यहाँ पे डिस्कस हुई है तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी ठीक है तो ये मत समझना ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर देन आर्टिकल तीन सौ सत्तर विच आर्टिकल हैज़ एबोगेटेड विद रिस्पेक्ट टू द जम्मू एंड कश्मीर अब ज़रा बताओ जब तीन सौ सत्तर आर्टिकल गया था उसके साथ वो अपने साथ एक और आर्टिकल को साथ में लेके गया था तो वो कौन सा आर्टिकल था थर्टी था थर्टी फाइव ए था सेवेंटी वन था या थ्री टू तो उसके साथ जो आर्टिकल साथ में अपने साथ ले डूबा था तो वो आपका कौन सा आर्टिकल था थर्टी फाइव ए आर्टिकल था नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज पास्ड फर्दरेंस ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल तीन सौ सत्तर भी क्वेश्चन आ चुका है इजी क्वेश्चन है कि कौन सा एक्ट था जिसने तीन सौ सत्तर को खत्म किया था ये क्वेश्चन आ चुका है इसमें भी बच्चा कंफ्यूज होता है देखो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड बच्चा इसमें भी कन्फ्यूज होता है जब एग्जाम में बैठा होता है ना तो आपने पढ़ा तो होता है एम सॉल्व नहीं किया होता है, तो बच्चा यहाँ पर कन्फ्यूज होता है उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर ले एंड लद्दाख री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन तो इसका सही आंसर क्या है ए आंसर है जम्मू एंड कश्मीर री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर ये भी क्वेश्चन आया है ये आई थिंक अभी भी आया इंस्पेक्टर में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है ये क्या है क्या टू डिफरेंट स्टेट है टू डिफरेंट यूनियन टेरीटरीज है फॉर्मर इज ए स्टेट लेटर इज़ ए लेटर इज यूनियन टेरेटरी फॉर्मर इज यूनियन टेरीटरी एंड लेटर इज ए स्टेट तो इसका सही आंसर है दोनों अलग अलग यूनियन टेरेटरीज हैं ये आई थिंक अभी क्वेश्चन आया था मुझे ज़रा बताओ बच्चों की ये अभी जिन बच्चों ने इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था क्या उसमें ये क्वेश्चन आया था या सब इंस्पेक्टर एक्साइज का जो हुआ है तो जम्मू एंड कश्मीर है लद्दाख आर आ, रिपीट हो रहा है रिपीट रिपीट अगला क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन कभी कभार आपको एग्जाम में आ जाता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर जो पी डी पार्टी है इसको किसने मतलब ये इस्टेब्लिश किया था महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी आज़ाद फारूक अब्दुल्ला या मुफ्ती मोहम्मद सईद तो इसका सही आंसर है मुफ्ती मोहम्मद सईद ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया वैसे चलो कोई नहीं आ सकता है क्योंकि आजकल जेके एस एस बी भी जो है वो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से डाल रही है और कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ठीक है सेक्शन डैश हैज़ द प्रोविज़न बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन बाई द लेफ्टिनेट गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेजिडेंट अब लेफ्टिनेट गवर्नर जी जो हैं हमारे तो वो क्या कर सकते हैं किसी भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं ताकि वो प्रेजिडेंट से पूछ सके उनकी राय ले सके तो वो किस सेक्शन के अंदर ये चीज़ बोली गई है तो ऑप्शन आपके पास है थर्टी सेवन थर्टी फाइव थर्टी नाइन एंड थर्टी एट तो इसका सही आंसर कहाँ पे आएगा थर्टी नाइन को लॉक कर दिया गया है तो सही आंसर जब क्या है सेक्शन थर्टी नाइन फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं सेक्शन थर्टी ऑफ जे एंड के री एक्ट से थर्टी एट सेक्शन की बात की गई है तो इसमें क्या हो सकता है पावर ऑफ गवर्नेंस टू प्रमुगेट ऑर्डिनेंस उसके बाद बी ऑप्शन है असेंट हुए बिल समन एंड पेरोरिग ऑफ द हाउस अपॉइंटमेंट ऑफ सी एम तो फोर्टी नाइन जो आपका सेक्शन है हमारे जे एंड के का उसमें जो गवर्नर है वो क्या करेगा एसेंट देगा अपनी सहमति देगा अगर कोई भी बिल जो है हमारा लेजिस्लेटिव असम्बली से पास होता है यूटी में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल टू दू टी ऑफ जे एंड के अंडर विच सेक्शन अब एंटी डिफेक्शन लॉ है ये आपको पता ही होगा तो किस सेक्शन के अंदर है हमारी यूटी ऑफ जे एंड के को में तो ट्वेंटी एट सेक्शन जो है ये डील करती है किससे एंटी डिफेक्शन लॉ देखो हाफ सेंचुरी होगी हमारी कितने फिफ्टी क्वेश्चन हो गए अब हम क्या करेंगे फिफ्टी क्वेश्चन और कवर करेंगे एक ही वीडियो में करेंगे हमने हमने करने हैं एक ही शॉर्ट में करने हैं हमने ठीक है वन शॉट में हम पूरे के पूरे हंड्रेड क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको बार बार वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े और बच्चों ने अभी दे अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है ऐप को भी इंस्टॉल कर लें ठीक है उसके बाद टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी होगी वो हम आपको प्रोवाइड करते जाएंगे अब बात करते हैं सेक्शन ट्वेंटी फोर ऑफ़ जे एंड के एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन से तो सेक्शन ट्वेंटी फोर जो है वो किसके बारे में बात करती है ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर है जल्दी से पढ़ो मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ फिर तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है बी ओथ एंड फॉर्मेशन बाय द मेंबर्स तो ये बात करती है सेक्शन ट्वेंटी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज स्पेशल एड्रेस बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर विस सेक्शन किस सेक्शन के अंदर आता है स्पेशल एड्रेस जो करते हैं गवर्नर हमारे तो सेक्शन ट्वेंटी वन है सेक्शन ट्वेंटी फाइव है सेक्शन ट्वेंटी नाइन है या सेक्शन ट्वेंटी एट है जल्दी से बता दो तो सेक्शन ट्वेंटी फाइव जो है उसके अंदर हमारे ये आते हैं अगला क्वेश्चन है सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोरोगेशन एंड रिजोल्यूशन बाय लेफ्ट गवर्नर तो किस में है ये सेक्शन इलेवन एटीन ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट एंड द राइट आंसर इज सेक्शन एटीन ड्यूरेशन ऑफ लेजिलेटि असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के ये जरा बताओ मुझे और ये भी क्वेश्चन आया था अभी आई थिंक लेजिलेटिव असेंबली का ही आया था या कुछ और आया था कुछ आया था ऐसे ही तो आप जरा बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में इजी है तभी मैं आपको बोल रहा हूँ अब देखते हैं कौन सही आंसर देता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ए पर्सन शेल नॉट बी शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन फील ए सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे एंड के अनलेस ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट सिटीजन ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के इज नॉट लेस देन ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज उसके बाद नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है दैट इज uh, ये नीचे आ गया ये क्वालिफिकेशन एज मे बीस एज मे बी इन दैट बिहाफ बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट तो जरा इसका आंसर बताए इसमें आपके पास है फर्स्ट एंड सेकेंड सही है बी ऑप्शन आपके पास टू थ्री फोर सी ऑप्शन है वन थ्री एंड फोर उसके बाद डी ऑल आर करेक्ट जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या है मैं एक बार फिर से ऊपर करता हूं ये देख लिए तो इसका सही आंसर जो है ना वो आपका सी आंसर है वन थ्री एंड फोर इज द करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी सिक्स क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ लेजिलेटिव असेंबली किस सेक्शन के अंदर है क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेक्शन सिक्सटीन जो है वो आपका क्वालिफिकेशन की बात करता है उसके बाद सेक्शन फिफ्टीन ऑफ जे एंड के ऑफ द वुमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस सीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस टीज एंड ऑल ऑफ द अबव सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें किसकी बात की गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन तो वुमेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी है ठीक है कौन कौन मानता है कि वुमेन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी जल्दी से बताएं मुझे सही बोला मैंने गलत बोला अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिफ्टी एट लेफ्टिनेट गवर्नर ऑफ यूटी जे एंड के कैन अपॉइंट डैश मेंबर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली तो कितने मेंबर्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर, कर सकते हैं में थ्री फोर फाइव टू तो इसका जो सही आंसर है वो है दो टू तो टू मेंबर्स जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो हमारे अपॉइंट कर सकते हैं वुमेन मेंबर्स ठीक है क्या वुमेन मेंबर्स देख लिया कितना इंपॉर्टेंट है वुमेन फिफ्टी नाइन प्रोविजन ऑफ विच यूटी ऑफ इंडिया शेल बी एप्लीकेबल टू दू टी ऑफ जे एंड के इंपॉर्टेंट युका है ऑलरेडी क्वेश्चन यू टी ऑफ दिल्ली यू टी ऑफ पुडुचेरी यू टी ऑफ लक्षद्वीप एंड यू टी ऑफ दम एन एन थी तो यू टी ऑफ पुडुचेरी जो है इसके प्रोविजन जो है वो हमारे यूटी ऑफ जे एंड के में एप्लीकेबल किए गए हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन टेन ऑफ जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन डैश सीट्स एलोकेटेड टू यू टी ऑफ जे एंड के एंड डैश सीट एलोकेटेड टू द यू टी ऑफ लद्दाख तो इसमें वो कहा गया है कि जो हमारी टें सेक्शन है उसमें जे एंड के को कितनी सीट्स एलोकेट की गई है और यू टी ऑफ लद्दाख को कितनी की गई है तो ए ऑप्शन है फाइव वन बी ऑप्शन है फोर टू सी ऑप्शन है फोर टू और डी ऑप्शन है थ्री वन तो इसका सही आंसर है वो है आपका ए फाइव वन ठीक है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर अंडर विद सेक्शन कौन सी सेक्शन के अंदर है? ये पहले भी पढ़ा हमने सेक्शन इलेवन सेक्शन एट सेक्शन फोर सेक्शन थ्री इसका आंसर आप सब बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में डालेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन पहले भी हमने ये पढ़ा है अभी अगला क्वेश्चन है उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ़ यू टी ऑफ जे एंड के विद लेजिस्लेचर अंडर विद सेक्शन अब यू टी ऑफ जे एंड के की बात कर रहा है कि वो कौन सी सेक्शन के अंडर आती है सेक्शन इलेवन सेक्शन एट सेक्शन फोर सेक्शन थ्री तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेक्शन फोर के अंडर फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के हमारे जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट में उसका प्रोविजन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन फाइव ऑफ जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन सेक्शन फाइव जो है वो क्या कहता है ए ऑप्शन है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी जे एंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यू टी लद्दाख सी ऑप्शन कॉमन न्यूटेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के लद्दाख और डी ऑप्शन है इसका नन ऑफ दिस तो इसका सही आंसर जो है वो आपका सी आएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन अंडर विच आर्टिकल शेल बी अप्लाई टू यू टी ऑफ जे एंड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से आर्टिकल के अंडर आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो वो उसमें कहा गया है कि कुछ प्रोविजन है वो हमारे जे एंड के यूटी में अप्लाई होंगे आर्टिकल टू थर्टी नाइन टू थर्टी नाइन बी टू फोर्टी टू थर्टी नाइन ए ये क्वेश्चन ऑलरेडी जे के एस एस के एग्ज़ाम में पूछा गया है तो अंडर आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए के तहत जो है तो वो प्रोविजन जो है इसके अंदर वो हमारे जे एंड के यूटी में लागू होंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ़ यू टी ऑफ जे एंड के अपॉइंटेड अंडर तो जे एंड के का जो गवर्नर है उसको अपॉइंट किया जाएगा किस आर्टिकल के अंदर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है तो इसका सही आंसर है अंडर आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के टू बी फील्ड बाय पर्सन बाय डायरेक्ट इलेक्शन ये क्वेश्चन आपका आई थिंक सब इंस्पेक्टर एक्साइज में पूछा गया था कि डायरेक्ट इलेक्शन से कितनी सीट जो है लेजिसलेटिव असेंबली ऑफ़ जे एंड के में फिल की जाएगी एटी सेवन एटी नाइन हंड्रेड या वन जीरो सेवन ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसका जो सही आंसर है वो है वन ज़ीरो सेवन डी इज़ द करेक्ट आंसर अब जरा मुझे बताया टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है आफ्टर डी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जे एंड के रिओर्गनाइजेशन कंटेन्स हाउ मनी सेक्शंस वन जीरो फोर वन ज़ीरो फाइव वन जीरो थ्री एंड हंड्रेड तो टोटल कितनी सेक्शंस है ये आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में इजी क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको बोला उसके बाद अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कितने पार्ट्स है जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट कंटेन्स फोर्टीन टेन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव हाउ मेनी पार्ट्स जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट डिवाइडेड तो इसका सही आंसर है फोर्टीन पार्ट्स में हमारा जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो कंसिस्ट है ठीक है उसके बाद जे एंड के रिओर्गनाइजेशन कंटेन्स हाउ मनी शेड्यूल टेन फिफ्टीन फाइव फोटीन तो इसका सही आंसर है फाइव इज़ द correct आंसर ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है जे एण्ड के रिओर्गनाइजेशन एक्ट के एम इंटू फोर्स ऑन ये बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ चुका है तो कब हमारा जे एंड के रिओर्गनाइजेशन एक्ट जो था वो फ़ोर्स हुआ था एनफोर्स हुआ था हमारा जे एंड के में इसका आंसर आप बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में जो इजी क्वेश्चन है वो मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना जे एंड के एक्ट आता है अभी उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंशन दैट टू चेंज द नेम एंड एरिया ऑफ एनी स्टेट एंड यू टी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो किस आर्टिकल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि हम अगर किसी स्टेट का नाम या उसका एरिया चेंज कर सकते हैं या, या यूटी का आर्टिकल टू थर्टी नाइन है आर्टिकल थ्री है आर्टिकल थ्री या आर्टिकल टू थर्टी नाइन तो आर्टिकल थ्री के अंडर जो हम किसी भी स्टेट या, या यूटी का एरिया या नेम उसका हम चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मैं आपसे पीछे पूछ रहा था क्वेश्चन आ गया तो हाउ मैनी मेम्बर सीट्स ऑफ फॉर द असेंबली ऑफ़ यूटी ऑफ जे एंड के विच इज़ मैंशन इन द जे एंड के रिओर्ग्नाइजेशन बिल तो जे एंड के रिओर्गनाइजेशन बिल के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट जो है हमारी असेंबली में मैंशन की गई है वन ज़ीरो सेवन एटी थ्री वन वन फोर एटी थ्री तो इसका सही आंसर है कितना वन वन फोर एक सौ चौदह इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सीट्स हाउ मेनी सीट्स विल बी स्टिल वैकेंट फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्टर कश्मीर के लिए कितनी सीट्स अभी भी वैकेंट है ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर एंड द राइट आंसर इज ट्वेंटी फोर सीट्स जो है वो अभी भी वैकेंट है पीओके अगर चाहे तो वो यहां पे आके पार्टिसिपेट कर सकता है हाउ मेनी सीट्स मेंबर्स फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर द लेजिस्लेटिव असेंबली मैं इन द रिऑर्गे एक्ट तो कितनी सीट जो हैं वो मैंशन की गई हैं रिओर्गेनाइजेशन बिल के अंदर जल्दी बताएं इसका आंसर तो वो टोटल मेंशन की है नाइन जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हु नॉमिनेट्स टू वुमेन मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अंडर विच सेक्शन किस सेक्शन के अंदर को नॉमिनेट करता है और कौन सेक्शन है ये ऑप्शन है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन ट्वेल्व सेकेंड है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के अंडर सेक्शन फिफ्टीन नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के अंडर सेक्शन सेवनटीन डी लेफ्टिनेट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के अंडर सेक्शन ट्वेल्व तो इसका सही आंसर जो है ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के अंडर सेक्शन फिफ्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन Seats for seat रिज़र्व for ST and STS and which uh, which section विच us about the reservation of ST and STS टी एंड so, तो कौन सी uh, जो seats हमारी reserve की जाती है वो किस तरह से होती है और किस section के अंदर हमारी seat जो है reserve की गई है ST टी और एस टीज़ के लिए तो इसका सही आंसर है वो आपका सी आंसर है प्रपोर्शनल टू दर पॉपुलेशन अंडर फोर्टीन सेक्शन जो है फोर्टीन सिक्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु अपॉइंट अगला क्वेश्चन क्या है हु अपॉइंट लिफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के एंड अंडर विच आर्टिकल कौन अपॉइंट करता है और किस आर्टिकल के अंदर अपॉइंटमेंट होती है किसकी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आपने पढ़ ली होंगे प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल टू थर्टी नाइन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मेम्बर्स विल बी द टोटल नंबर टोटल मेंबर्स ऑफ लेजि असम्बली ऑफ़ ड्यूटी ऑफ जी एंड के तो कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारी काउंसिल्स ऑफ जो मेंबर्स होते हैं टेन परसेंट ऑफ एटी सेवन इलेवन परसेंट ऑफ वन जीरो सेवन अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व में अमंग वन वन फोर अप्रोक्सीमेटली टेन मेंबर्स अमंग वन जीरो सेवन सो द राइट आंसर इज सी अप्रोक्स ट्वेल्व मेंबर्स अमंग वन वन फोर मेंबर्स एट जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन हु क्रिएटेड सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी इन दू यूटी ऑफ जे एंड के एंड यूटी ऑफ लद्दाख फॉर फाइनानस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ए ऑप्शन है प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर बी प्रेजिडेंट सी स्टेट गवर्नमेंट एंड डी इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करता है एडवाइजरी कमेटी को अपॉइंट तो इसका सही आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है तो वही वो अपॉइंट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग नॉट द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ़ यू टी ऑफ जे एंड के एंड हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ जे एंड के हाई कोर्ट तो जे एंड के कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है और कौन सा इसमें से जो पावर्स है वो हमारी असेंबली के पास नहीं है ठीक है तो इसका सही आंसर है वो आपका है बी पब्लिक ऑर्डर पुलिस ठीक है ये जो पावर्स हैं ये हमारे पास नहीं है जे एंड के असम्बली के बाद और ये पंकज मित्तल जो है, ठीक है चीफ जस्टिस इस टाइम पे नहीं है तो आपने मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना है इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ जे एंड के हाईकोर्ट कौन है ठीक है क्योंकि ये पुराना पहले के नोट्स बनाए थे उस टाइम पे तो अब जो है चीफ जस्टिस जो है वो चेंज हो गए हैं तो ये मुझे ज़रा बताएं इस टाइम पे जे एंड के चीफ जस्टिस कौन है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द यूटी ऑफ जे एंड के एंड लद्दाख कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अब ये स्टेटमेंट्स आपके पास दो है तो बताना है इनमें से कौन सी सही है द स्टेट ऑफ जे एंड के हैज बीन बाईट टू यूटी ऑफ जे एंड के एंड लद्दाख ऑन अक्टूबर थर्टी फर्स्ट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट है द टू यूटीज़ विल हैव सेपरेट हाई कोर्ट अब जरा ये बताएं मुझे इन में से क्या फर्स्ट सही से है सेकेंड सही है बोथ है या नन है इसका बच्चों आपने आंसर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ध्यान से पढ़ लो एक बार और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रा इसका आंसर बताएं फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट था अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द न्यू यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर यह भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में ठीक है तो इनमें से कौन सी यूटी है जिसके पास लेजिस्लेचर नहीं है और नहीं बनी है पुडुचेरी चंडीगढ़ लद्दाख या जम्मू तो सही आंसर क्या है लद्दाख ये क्वेश्चन भी अभी आया था रिसेंटली जेके एस एस बी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आया था हाउ मेनी स्टेट्स लॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट हैव बीन रिपील्ड आफ्टर है आर्टिकल थ्री सेवनटी रिपील्ड का मतलब कि कितने लॉस जो थे स्टेट्स के उनको हटा दिया गया है रिपील का मतलब होता है मतलब कि उनको हटा दिया कम्पलीटली ख़त्म कर दिया है अब वो यहाँ पे लागू नहीं होंगे ये ऑप्शन 154, 153, 151, 55 फाइव फाइव तो इसका सही आंसर है 153 जो है जो हमारे लॉस थे अब वो हमारे यहाँ पे लागू नहीं होंगे जो पुराने लॉज थे ओके अब नेक्स्ट आ गया Now डैश लॉज ऑफ़ सेंट्रल लिस्ट विल be एप्लीकेबल टू UT of ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अब पूछा गया कि कितने सेंट्रल लॉज जो हैं वो हमारे यहाँ पे लागू होंगे 101, 110, 105, 106 तो इसमें सही आंसर है 106 जो है लॉज जो होंगे अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिस्ट यहाँ पे अब एप्लीकेबल हैं ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ लद्दाख एंड जे एंड के इसमें से बताना कि अब में इनमें से क्या क्या हमारे यहाँ पर लागू हुआ है राइट टू एजुकेशन राइट टू इंफॉर्मेशन आई पी सी और आधार एक्ट दो हज़ार सोलह तो डी ऑप्शन होगा इसका ऑल ठीक है ऑल ऑफ द तो बताना है कि क्या इनमें से कितने चीज़ें जो है हमारे अब यहाँ पर लागू हो रही हैं तो इसका सही आंसर है ऑल ये सब के सब अब जो है हमारे यहाँ लागू हो गए हैं हो चुके हैं अब बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन आफ्टर जम्मू हैगेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन कम इन टू फोर्स क्या हुआ फर्स्ट <coughs> स्टेटमेंट आपकी आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड रणवीर पैनल कोश्मीर विल टू एग्जिस्ट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव ए लेजिसलेचर वाइल यू टी ऑफ़ लद्दाख विल हैव नो लेजस्लेचर ओके सेकेंड स्टेटमेंट है अब बताने कि यहाँ दोनों सही है पहली गलत है पहली सही है या कोई भी इनमें से सही नहीं है तो इसका जो सही आंसर है बच्चों ये दोनों की दोनों सही है जो हमारा पहले रनवीर पैनल कोड होता था वो अब ख़त्म हो चुका है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर वो भी ख़त्म हो गया है तो यू टी एम यू टी ऑफ जे एंड के जो है उसके पास लेजिसलेचर है यू टी ऑफ लद्दाख के पास कोई भी लेज़ लेज़ नहीं है है ना तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हुई बिल्कुल सही हुई नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वाज नाइनटीन इन राज्यसभा ऑन फाइव ऑफ अगस्त बाय द अच्छा किसने इंट्रोड्यूस किया था बताओ जरा ये तो ईजी है ये हर बच्चों को पता होगा ठीक है क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो राज्यसभा में स्पीच दी गई थी ये जो मिनिस्टर थे उस टाइम पे तो उन्होंने उनका एक फेवरेट डायलॉग जो बहुत ही वायरल हुआ था क्या बात करते हो भाई ऐसे करके था ना जे एंड के जो था तो कुछ ऐसे करके उनकी स्पीच थी तो इसका सही आंसर बताएं क्या सही आंसर है क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये सबको पता होना चाहिए ठीक है अगला क्वेश्चन है एटी नाइन हु इंट्रोड्यूस जे एंड के रिओर्गनाइजेशन एक्ट इन द राज्यसभा ठीक है अब पूछा गया है कि किसने इंट्रोड्यूस किया है पहले पूछा गया था वो उन आ, किस मिनिस्टर कौन से थे होम मिनिस्टर थे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे या प्राइम मिनिस्टर थे अब पूछा गया कि जो मिनिस्टर वो थे है ना तो उन उ, उ, उनका नाम क्या था तो उनका नाम था अमित शाह अब आपने बताना था कि ये कौन किस किसके मिनिस्टर थे ठीक है उस टाइम पे ठीक है अब तो पता चल ही गया होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन जीरो देखो नाइनटी पे पहुंचे हम यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल कम्प्राइज ऑफ यूनाइटेडिटी ऑफ लद्दाख में क्या होगा कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट कारगिल एंड लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ओनली कारगिल ओनली ले ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में जेके एस के अभी तक तो वहाँ पे अब हमारे पास कौन सी डिस्ट्रिक्ट है कारगिल और ले डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लद्दाख में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजिलिटी असेंबली अच्छा अगेन आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वन सेकेंड यस yes. लेजिलेटिव असेंबली में मेक्स लॉज फॉर एनी पार्ट ऑफ द यूनियन टेरेटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड टू फर्स्ट एनी मैटर स्पेसीफाई इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर सेकेंड स्टेटमेंट एनी मैटर इन द कॉन्डेंट लिस्ट एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरेटरीज अब इसमें से बताना कि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों की दोनों गलत है जल्दी से स्टेटमेंट्स पढ़ लें अच्छे से ठीक है तो नीचे ऑप्शन वही आगे पहला वाला सही है सेकेंड वाला सही है थर्ड वाला सही है ना नन ऑफ तो इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम हंड्रेड एंड टेन परसेंट करेक्ट हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ नॉट मोर देन डैश परसेंट ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ ऑफ टोटल मेंबर्स इन द असेंबली तो कितने परसेंट से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो नहीं होने चाहिए तो ये तो सेंटर में भी ऐसे ही होता है तो टेन परसेंट जो है इससे ज़्यादा टोटल मेंबर ऑफ जो हमारी असेंबली होती है उससे ज़्यादा वहाँ ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए, चाहिए। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट एडवाइजरी कमेटी एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट की गई थी फॉर वेरियस पर्पज इंक्लूडिंग अब बताना है कि कौन कौन से पर्पज़ के लिए वो अपॉइंट की गई थी तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ असट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन द टू यूनियन टेरिटरीज सेकंड issues रिलेटेड to the जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ electricity एंड वाटर लास्ट इशू रिलेटेड to the जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन अब इसमें बताना है कि कौन की स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है ध्यान से एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ लें आप पढ़ लें ठीक है पॉज भी कर सकते हो वीडियो तो ऑप्शन वही आगे फर्स्ट वाला सही से है सेकेंड वाला सही से है थर्ड वाला सही है फर्स्ट एंड सेकेंड सही है ऑल करेक्ट रेक्ट तो इसका सही आंसर जो है वो ये सारी के सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवाइजरी कमेटी मस्ट सबमिट देयर रिपोर्ट विद इन डैश uh, मंथ्स इन टू द लेफ्टिनेट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो कितने मंथ्स में उन्होंने वो रिपोर्ट सबमिट करनी थी एडवाइजरी कमेटी ने तो इसका सही आंसर है सिक्स मंथ्स सिक्स मंथ के अंदर उन्होंने वो एडवाइजरी जो कमेटी थी उसने वो रिपोर्ट सबमिट करनी थी ठीक है अगला क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मस्ट एक्ट ऑन दिस रिकमेंडेशन विद इन हाउ मैनी डेज कितने डेज के अंदर उन्होंने उसके ऊपर एक्ट करना था तो इसका सही आंसर है थर्टी क्या आंसर है थर्टी ठीक है थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो गया है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू तो डीमिटेशन प्रोसेस प्रोसेस डैश मोर सीट्स वो टू द जम्मू डिवीजन मेकिंग टोटल टैली टू नाइन्टी अब बताना है कि जम्मू डिवीजन में कितनी सीट्स ऐड हुई हैं और टोटल जो है वो नाइन्टी सीट्स हो गई हैं ठीक है तो फाइव सेवन नाइन्टी या टेन जल्दी से बताएं इसका आंसर तो कितनी सीट्स हैं सेवन सीट जो है वो ऐड हो गई हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है द असेंबली ऑफ यूटी यूटी जे एंड के इज़ कन्वीनड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय अच्छा असेंबली को कौन कन्वीन करेगा चीफ मिनिस्टर प्रोटर्म स्पीकर गवर्नर या स्पीकर इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डैश डैश स्टेट लॉज विल रिमेन इन फोर्स एंड सेवन लॉज विल भी अप्लीकेबल विद अमेंडमेंट टू द यूटी ऑफ जे एंड के तो कितने स्टॉर्स स्टेट्स लॉस थे जो रिमेन रहेंगे वन फिफ्टी थ्री वन जीरो सिक्स वन सिक्स सिक्स वन सिक्सटी क्योंकि यहाँ पे भी डैश आना था पर यहाँ पे सेवन लिख दिया गया है तो इसका सही आंसर जो है वो आपका वन सिक्सटी सिक्स स्टेट लॉज जो है वो अभी भी यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे नाइन्टी नाइन क्वेश्चन लास्ट यस हाँ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है नाइन्टी नाइन तो क्वेश्चन क्या है जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट साइन बाय किसने साइन किया था उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लेफ्टिनेंट गवर्नर यू टी जे एंड के होम मिनिस्टर अमित शाह तो इसको साइन किसने किया था प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फाइनल असाइन उन्हीं की उन्हीं की होती है अप्रूवल देते हैं तो उस टाइम पे कौन थे रामनाथ कोविंद जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ जे एंड के रिओर्गनाइजेशन एक्ट वन शॉट में हमने कंप्लीट किया है जी एंड के बिल वॉज पास बाय लोअर हाउस विद डैश वोट्स इन फेवर एंड डैश वोट्स अगेंस्ट तो बताएं जरा कितने वर्ड्स फेवर में थे और कितने अगेंस्ट थे थ्री 77 370 सेवन थ्री 70 थ्री फाइव जीरो या थ्री फाइव जीरो सेवन तो इसका सही आंसर जो है वो है बी थ्री एंड सेवनटी देखो ईजी है याद रखना थ्री और सेवेंटी जो थे वो अगेंस्ट थे तो ये आपका कंप्लीट हो गया जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन वन शॉट ठीक है तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है ऐप को डाउनलोड कर ले और टेलीग्राम को भी आपने ज्वाइन कर लेना है वहाँ के आपको पी भी मिल जाएगी और बाकी वहाँ पर हमने जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम जो भी मटेरियल हमारा आपको हमारी ऐप आप पे भी मिल जाएगा और जो हमारी ताँग 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 टेलीग्राम चैनल है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लें ताकि हर एक चीज़ आपको मिलती रहे होप आपको आ, सेशन अच्छा लगा हो और आपके हंड्रेड एम कवर हो गए और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो है इसी से कवर हो जाते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग है नाइस डे और हमारे चैनल के साथ बनिए रहेगा तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए वीडियो में तब तक, तक के लिए टेक केयर जय हिंद